आज पूरी दुनिया दो धाराओं में बटी हुई है। एक है वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन आर्य हिंदू परंपरा, या हम उसको कहें दैवी परंपरा, सात्विक परंपरा है। शब्द भेद है, तात्पर्य एक ही है। मैंने कहा इस दुनिया में दो बड़े विभाजन हैं। यद्यपि बहुत स्थूल रूप से आजकल लोग उनको दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा भी कहते हैं, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत तार्किक और प्रासंगिक शब्द नहीं है, बहुत व्यापक शब्द नहीं है। इसलिए मैं दक्षिणपंथी और वामपंथी इस विचारधारा की अधिक बात नहीं किया करता हूँ। मैंने मूल बात कही कि एक वो विचार है जो वेद का विचार है, ऋषियों का विचार है, सात्विकता का, दिव्यता का विचार है। हमारा जो पथ है, हमारा जो मार्ग है, वो वेद का मार्ग है, ऋषियों का मार्ग है, दिव्यता का मार्ग है, सात्विकता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, पूर्ण सत्य का मार्ग है। ये भगवान का पथ है। और जो दूसरा मार्ग है वह है एक ऋषि परंपरा, तो दूसरी है, अब इसमें भेद है दो तीन, जरा सुनना गौर से, पंथ परंपरा, उसको थोड़ा और दूसरे शब्दों में बोलें तो मजहबी परंपरा। क्या बोला मैंने, बोलो, मजहबी परंपरा, पंथ परंपरा, मजहबी परंपरा। थोड़ा दूसरे शब्दों में और कहें तो सांप्रदायिक परंपरा। यह अलग बात है कि आजकल हम पर भी लोग सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। एलिगेशन तो कोई किसी पर लगा दे, एलिगेशन लगाने में क्या है, आरोप तो कोई अपने माँ बाप पर भी लगा सकता है, भगवान रामकृष्ण पर भी लगा सकता है, भगवान बुद्ध महावीर पर भी लगा सकता है, गौतम कणाद जैमिनि पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद पर भी लगा सकता है। मजहबी परंपरा, सांप्रदायिक परंपरा माने एक संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इसमें भौतिकवादी परंपरा, ये इकट्ठे हो रहे हैं आजकल, भोगवादी परंपरा, भौतिकवादी परंपरा, तामसिक और राजसिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आज इकट्ठे हो गए भारत में। वो एक अलग प्रकार की कबीलाई संस्कृति को दोबारा से उभारना चाहते हैं। वो यहाँ पर अपने आप को ओबीसी कहते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं, अपने आप को वनवासी कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, शोषित कहते हैं, अपने आप को वंचित कहते हैं, और अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला कहते हैं, अपने आप को सिविलाइज कहते हैं कि हम सिविलाइज हो चुके हैं, और वो कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ शोषण हुआ है, और वो कहते हैं हम समानता चाहते हैं। देखो शब्द कितने अच्छे घड़े हैं इन्होंने, कि हम समानता चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम सहिष्णुता चाहते हैं, हम एकत्व चाहते हैं, हम सहअस्तित्व चाहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द देखो कितने अच्छे घड़ लिए। हम समानता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, हार्मनी उनको उसको बोलते हैं, हार्मनी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, वर्ल्ड पीस, इक्विलिटी, जस्टिस, टॉलरेंस, ये ऐसे शब्द घड़ लिए उन्होंने, हम ये चाहते हैं और इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।